नमस्कार दोस्तों, दधिमति संस्कृत एजुकेशन में आपका स्वागत है। और दोस्तों, जैसा कि इस समय अब आने वाली राजस्थान की जितनी भी जो परीक्षाएं हैं उनमें राजस्थान के इतिहास से संबंधित विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उसी से संबंधित आज हम राजस्थान इतिहास का दूसरा भाग लेकर के उपस्थित हुए हैं। इससे पहले हमने 20 प्रश्नों पर चर्चा की थी। आशा करता हूँ वो वीडियो आपको पसंद आया होगा, और यदि आपने वो वीडियो 1 से 20 प्रश्न तक नहीं देखा है तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। और दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक निवेदन करूँगा कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं या इसे पहली बार देख रहे हैं तो आप इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन आप ज़रूर प्रेस करें ताकि शिक्षा और रोज़गार से संबंधित जितने भी जो वीडियो हैं वो आप तक सबसे पहले पहुँच सकें। तो आइए दोस्तों, आज के हम उससे आगे 20 से आगे राजस्थान के इतिहास से संबंधित प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। तो ये जो पहला प्रश्न है, बिजोलिया शिलालेख बिजोलिया के पार्श्वनाथ मंदिर के पास एक चट्टान पर उत्कीर्ण है, इसका लेखक कौन था? तो बिजोलिया जो शिलालेख है उसके लेखक गुणभद्र थे। इसके बारे में यदि हम देखें तो बिजोलिया शिलालेख 1170 ईस्वी का है। इसका निर्माण बिजोलिया के पार्श्वनाथ मंदिर के पास एक चट्टान पर जैन श्रावक लोलाक के द्वारा मंदिर निर्माण की स्मृति में करवाया गया था। बिजोलिया शिलालेख की रचयिता गुणभद्र था। इसमें सांभर और अजमेर के चौहानों को वत्स गोत्रीय बताते हुए उनकी वंशावली दी गई है। इस शिलालेख में वर्णित है कि चौहानों के आदि पुरुष वासुदेव ने सांभर झील का निर्माण करवाया था। तो सांभर झील का निर्माण किसने करवाया था, इसका जो उल्लेख है वो बिजोलिया शिलालेख में किया गया है। इसमें सभी संगत बताने हैं, यानी कि एक तरफ प्रचलित रियासत और दूसरी तरफ उनके सिक्के बताए गए हैं। तो गदशाही सिक्के बीकानेर, स्वरूपशाही मेवाड़, तमंचाशाही धौलपुर, ये सभी संगत हैं। और भी बहुत सारे सिक्के थे जो प्रचलित थे उस समय। इस तरह की अन्य रियासतों में भी सिक्के प्रचलित थे। सालिमशाही प्रतापगढ़, रावशाही अलवर, मदनशाही जालावाड़, गुमानशाही कोटा, जाड़शाही और मोहम्मदशाही जयपुर, रामशाही बूंदी, अखेशाही जैसलमेर, विजयशाही जोधपुर, उदयशाही डूंगरपुर और चांदौड़ी मेवाड़ में प्रसिद्ध थे। आरा निमेज हत्याकांड किस प्रसिद्ध क्रांतिकारी से संबंधित है? तो आरा जो निमेज हत्याकांड है वो अर्जुनलाल सेठी से संबंधित है। अर्जुनलाल सेठी राजस्थान में उग्र क्रांति के जनक माने जाते हैं। स्नातक करने के बाद जयपुर रियासत ने इन्हें नौकरी का प्रस्ताव दिया तो इन्होंने कहा कि अर्जुनलाल यदि नौकरी करेगा तो अंग्रेजों को भारत से बाहर कौन निकालेगा, ये इनका प्रसिद्ध कथन था। मार्च 1913 में आरा निमेज कांड में एक संत भगवान दास की हत्या के संदर्भ में फलते सेठ जी को 7 साल की सजा देकर वेलूर जेल यानी कि इनको तमिलनाडु भेज दिया गया था। काकोरी ट्रेन डकैती जो कांड था उसके आरोपी अशफाक उल्लाह को राजस्थान में सेठी ने ही छिपाया था। गिंगोली के युद्ध में मारवाड़ के शासक मानसिंह को हराने वाले जयपुर के राजा कौन थे? तो गिंगोली का युद्ध में मारवाड़ के शासक मानसिंह को हराने वाले कौन थे? सवाई जगत सिंह द्वितीय, ये जयपुर राजघराने से राजा थे। उदयपुर की राजकुमारी कृष्ण कुमारी के विवाह से संबंधी विवाद के संदर्भ में 12 मार्च 1807 में गिंगोली का युद्ध हुआ। इस युद्ध में जयपुर शासक सवाई सिंह द्वितीय मारवाड़ के राजा मानसिंह को हरा देते हैं, और ऐसा भी कहा जाता है कि अंत में जो है वो कृष्ण कुमारी जहर खा करके मर जाती है और ये युद्ध समाप्त हो जाता है। जोधपुर से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? यह जोधपुरा से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? ये जोधपुर जिले में साबी नदी के किनारे स्थित है। यह आरसी अग्रवाल के द्वारा खोजित स्थल है। यहाँ से लोहे गठलाने की भट्टी नहीं मिली है। यहाँ से सुंग एवं कुषाणकालीन सभ्यता के अवशेष नहीं मिले हैं। तो कौन सा कथन सत्य है? केवल एक ही कथन सत्य है, आरसी अग्रवाल के द्वारा खोजित स्थल है।
यानी कि ये पहली बात तो ये है कि ये जोधपुर ज़िले में है ही नहीं, ये तो जयपुर ज़िले में स्थित है। जोधपुर जयपुर ज़िले के साबी नदी के किनारे स्थित है। आर्य सभ्यता से संबंधित स्थल है। जोधपुरा की खोज आरसी अग्रवाल ने की, जहाँ से लोहा गलाने की भट्टी हमें प्राप्त हुई है। यहाँ से शुंग एवं पाषाणकालीन सभ्यता के अवशेष भी हमें प्राप्त होते हैं। सुमेलित कीजिए, तुंगा एक तरफ युद्ध का नाम है और एक तरफ इनका समय है। तुंगा का युद्ध, भिथौड़ा का युद्ध, भटवाड़ा का युद्ध और राजमहल का युद्ध। तो जो है तुंगा का युद्ध 1787 ईस्वी में हुआ था, भिथौड़ा का 1857 जो कि 1857 क्रांति से संबंधित है, भटवाड़ा का 1761 और राजमहल का युद्ध 1747 ईस्वी में हुआ था। 1857 की क्रांति के दौरान डूंगला नामक स्थान किस सैनिक छावनी से संबंधित है? तो डूंगला स्थान जो है वो नीमच से संबंधित है, जो वर्तमान मध्य प्रदेश में स्थित है। डूंगला वह स्थान था जहाँ पर नीमच सैनिक छावनी से बचकर भागे हुए 40 अंग्रेज अफसर, महिला और बच्चों को क्रांतिकारियों ने बंधक बना लिया था। सूचना मिलने पर मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट मेजर सवर्स ने मेवाड़ की सेना की सहायता से छुड़वाकर उनको उदयपुर पहुंचाया। इसके बाद मेवाड़ राणा स्वरूप सिंह ने उन्हें पिछोला झील के जग मंदिर में शरण दी थी। कालांतर में इसी तरह मेवाड़ महाराणा कर्ण सिंह ने विद्रोही मुगल राजकुमार खुर्रम शाहजहाँ को भी पिछोला झील के जग मंदिर में उन्होंने शरण दी थी। दूधवा खारा किसान आंदोलन निम्न में से किस रियासत से संबंधित था? दूधवा खारा बीकानेर से संबंधित था। दूधवा खारा तत्समय बीकानेर रियासत का एक गांव था जो वर्तमान चूरू जिले में स्थित है। दूधवा खारा किसान आंदोलन में दूधवा खारा और कांगड़ा गांव के किसानों ने जागीरदारों के अत्याचार एवं शोषण के विरुद्ध आंदोलन किया। चंपानेर की संधि मालवा एवं गुजरात के सुल्तानों के मध्य किसके विरुद्ध की गई? तो चंपानेर की संधि जो है मालवा और गुजरात में महाराणा कुंभा के विरुद्ध की गई थी। चंपानेर की संधि 1456 ईस्वी में संपन्न हुई। ये संधि मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी और गुजरात के सुल्तान कुतुबुद्दीन के मध्य राणा कुंभा के विरुद्ध की गई थी। पुष्कर के वराह मंदिर की मूर्तियों को किस मुगल सम्राट ने 17वीं शताब्दी में तालाब में फेंकवा दिया था? तो मुगल सम्राट जहांगीर ने। अर्णोराज जो 1133 से 1155 ईस्वी में अजय राज किया था अजमेर में, अजय राज का पुत्र था जिसने पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण करवाया। अक्सर ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? अर्णोराज ने। इस मंदिर की मूर्तियों को मुगल सम्राट जहांगीर ने 1605 से 1627 ईस्वी ने शासन किया था, ने तालाब में फेंकवा दिया था। अर्णोराज ने तुर्कों को परास्त कर उनके खून को साफ करने के लिए चंद्रा नदी के पानी को रोका था, जिसे एक झील का निर्माण हुआ जिसे आना सागर झील के नाम से हम जानते हैं। चांदी की 36 मुद्राएं हमें प्राप्त होती है बेराट से। बेराट जिसे विराट नगर के नाम से भी जानते हैं, की से चांदी की 36 मुद्राएं हमें प्राप्त होती है, जिनमें पंचमार्क और इंडो ग्रीक की मुद्राएं शामिल हैं। ये मुद्राएं इस बात का प्रमाण है कि बेराट पर यूनानी शासकों का अधिकार रहा होगा। इनमें 16 मुद्राएं यूनानी राजा मिनांडर की भी है, तो 36 में से 16 मुद्राएं यूनानी राजा मिनांडर की हैं। निम्न में से किस सभ्यता के उत्खनन से भारत में ताम्रयुगीन सभ्यताओं की उत्पत्ति, विकास एवं प्रसार जैसी जटिल समस्याओं पर व्यापक प्रभाव पड़ा? गणेश्वर। इसके बारे में हम बात करें, गणेश्वर सीकर जिले में नीमका थाना के पास कांतली नदी के उद्गम पर स्थित है। तुलनात्मक अध्ययन के आधार पर इसका स्थल का समय जो है वो लगभग 2800 ईसा पूर्व निर्धारित किया गया है। ताम्रयुगीन सांस्कृतिक केंद्रों में गणेश्वर सभ्यता प्राचीनतम है। संभवतः हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा जैसे विकसित केंद्रों को ताम्र एवं ताम्र सामग्री गणेश्वर परिसर से प्राप्त होती थी, इसीलिए इसको ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। कर्नल जेम्स टोड ने किस मेवाड़ राणा को अपने समय का प्रबल हिंदू राजा माना है?
तो राणा हमीर को। हमीर सिसोदे गांव का सामंत था जिसने 1326 ईस्वी में चित्तौड़ पर अधिकार कर सिसोदिया वंश की नींव डाली। हमीर को कर्नल जेम्स टोड ने अपने समय का प्रबल हिंदू राजा माना जिसके अधीन मारवाड़, जयपुर, बूंदी, ग्वालियर, चंदेरी, रायसीन, सीकर, कालपी और आपू के शासक सम्मिलित थे। कीर्ति स्तंभ लेख में राणा हमीर को विषम घाटी पंचानन यानी विकट आक्रमणों में सिंह के समान की संज्ञा दी है। तो कीर्ति स्तंभ लेख में विषम घाटी पंचानन कहा गया है। राणा हमीर 1326 से 64 को मेवाड़ का उद्धारक माना जाता है। राणा हमीर ने अन्नपूर्णा देवी मंदिर का निर्माण भी करवाया था। सुमेलित करना है प्राचीन क्षेत्र और वर्तमान नाम अई छत्रपुर, गुजरात्रा, कोठी और वटनेर। तो अई छत्रपुर नागौर को कहा जाता है, गुजरात्रा जालौर को कहा जाता है, कोठी वर्तमान धौलपुर को कहते हैं और वटनेर हनुमानगढ़ को कहा जाता है। भीलों को हिंदू धर्म के दायरे में बनाए रखने के लिए निम्न में से किसने भगत पंथ की स्थापना की? तो किसने की थी? गोविंद गिरी ने। गोविंद गिरी भीलों के सर्वमान्य नेता थे। इन्होंने 1883 ईस्वी में संप सभा की स्थापना की जिसका उद्देश्य आपसी एकता भाईचारा उत्पन्न करना था। गोविंद गिरी ने ही भीलों को धर्म और सत्य की शिक्षा देने के लिए उनके साथ सामाजिक जागृति और नवजीवन के संचार हेतु भगत आंदोलन चलाया था। निम्न में से कौन बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित नहीं है? तो एजी जी हैं पैट्रिक लॉरेंस वो संबंधित नहीं है, जबकि बिंदुलाल भट्टाचार्य जो जांच आयोग था वो भी संबंधित है, माणिक्यलाल वर्मा भी संबंधित है और प्रताप नामक जो समाचार पत्र है वो भी संबंधित है। बिजोलिया किसान आंदोलन के समय फरवरी 1992 में एजीजी हॉलैंड बिजोलिया आए थे। इन्होंने ठिकाने और किसानों के मध्य समझौता कराया जिसमें 84 प्रकार की लागतों में से 35 प्रकार की लागतें हटा दी गई थी। इस तरह पहली बार किसानों और ठिकानों और राज्यों के अधिकारियों के मध्य सीधा समझौता हुआ, लेकिन कालांतर में इस पर कोई अमल नहीं किया गया था। राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया में सर्वप्रथम निम्न में से किस संघ का निर्माण करवाया गया? राजस्थान की जब एकीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई थी तब सबसे पहले मत्स्य संघ बनाया गया था। मत्स्य संघ का उद्घाटन 18 मार्च 1948 ईस्वी को एनवी गौडगिल के द्वारा किया गया। इस संघ में अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली नामक रियासतें शामिल की गई। कन्हैयालाल माणिक चंद एम के मुंशी की सलाह पर इस संघ का नाम मत्स्य संघ रखा गया था। तो ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा मोस्ट है कि किसकी सलाह पर मत्स्य संघ नाम रखा गया? तो कैम मुंशी की सलाह पर रखा गया था। इस संघ की राजधानी अलवर, प्रधानमंत्री शोभाराम कुमावत यानी कि जो मत्स्य संघ की राजधानी थी वो अलवर थी, प्रधानमंत्री शोभाराम कुमावत थे और राजप्रमुख धौलपुर शासक उदय भान सिंह थे। राजपुताना मध्य भारत सभा की स्थापना दिल्ली में 1919 ईस्वी में की गई जिसका मुख्यालय कहाँ रखा गया था? अजमेर मुख्यालय बनाया गया था। राजपुताना मध्य भारत सभा की स्थापना राजपुताना एवं मध्य भारत के देसी राज्यों में राजनीतिक चेतना उत्पन्न करने एवं उत्तरदायी सरकार की स्थापना की पृष्ठभूमि तैयार करने के लिए की गई। राजपुताना मध्य भारत सभा की स्थापना 1919 में दिल्ली चांदनी चौक में मारवाड़ी पुस्तकालय में की गई, लेकिन इसका मुख्यालय अजमेर में रखा गया। और राजपुताना मध्य भारत सभा के जो संस्थापक अध्यक्ष थे वो जमनालाल बजाज थे। राणा सांगा ने बाबर की सेना को किस युद्ध में हराया था? तो राणा सांगा ने बाबर की सेना को बयाना के युद्ध में हराया था। पानीपत के प्रथम युद्ध 1526 में जीतने के बाद बाबर का आगरा और दिल्ली पर अधिकार हो गया, लेकिन बाबर को राणा सांगा को हराना जरूरी था तभी उसका भारत पर स्थायी अधिकार हो सकता था। इसी संदर्भ में जब बाबर की सेनाओं ने बयाना पर अधिकार कर लिया तो राणा ने बाबर से संघर्ष करने के लिए आगे बढ़ा। राणा सांगा ने सर्वप्रथम फरवरी 1527 में बयाना पर आक्रमण कर बाबर के बहनोई मेहंदी ख्वाजा और मुगल सेना को परास्त किया। यह राणा सांगा की अंतिम विजय थी। मार्च 1527 में हुए खानवा के युद्ध में
बाबर ने राणा सांगा को परास्त कर दिया। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने किस मेवाड़ राणा के शासक को मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्ण युग कहा है? तो राणा चेत्र सिंह। चेत्र सिंह 1213 ईस्वी से 1253 ईस्वी तक का काल माना जाता है, मेवाड़ राज्य के लिए उत्थान का काल रहा। चेत्र सिंह को अपने समय में दिल्ली के सुल्तानों के आक्रमण का सामना करना पड़ा। चेत्र सिंह ने आहाड़ को चालुक्यों से मुक्त कराया एवं चित्तौड़ को महत्व प्रदान करते हुए अपनी राजधानी बनाई, क्योंकि दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश के आक्रमण के समय उसकी राजधानी नागदा तहस नहस हो गई थी। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने चेत्र सिंह के इस समय को मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्णकाल कहा है। निम्न में से किस देशी रियासत में अपेक्षाकृत सबसे बाद में प्रजामंडल की स्थापना हुई? तो सबसे बाद में जो देशी रियासतों के प्रजामंडल की स्थापना होने वाला था वो देशी रियासत कोटा थी। झालावाड़ रियासत में प्रजामंडल की स्थापना समझाऊंगा। अंतिम जो प्रजामंडल आया था वो झालावाड़ थी। झालावाड़ रियासत प्रजामंडल की स्थापना 1946 में हुई, जबकि जयपुर 1931, अलवर 1938 और कोटा 1939 में ही स्थापना हो गई थी। समझाऊंगा, देसी रियासत, अंतिम देसी रियासत, सबसे नवीनतम देसी रियासत झालावाड़ थी। जय नारायण व्यास से संबंधित कौन से तथ्य हैं? इन्होंने मुंबई में अखंड भारत नामक समाचार पत्र का प्रकाशन शुरू किया। जय नारायण व्यास ने उत्तरदायी शासन के लिए आंदोलन और आंदोलन क्यों नामक पुस्तक लिखी। मारवाड़ लोक परिषद के प्रथम अध्यक्ष जैन व्यास थे, यानी जय नारायण व्यास थे। इन्होंने मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अधिवेशन का उद्घाटन किया। तो इसमें केवल दो ही तथ्य हैं जो बिल्कुल सही थे, एक तो अखंड भारत जो मुंबई से इन्होंने शुरू किया अखबार, और एक उत्तरदायी शासन के लिए आंदोलन और आंदोलन क्यों नामक पुस्तक इन्होंने ही लिखी थी। जय नारायण व्यास मारवाड़ में जनजागृति के पूर्वधा थे, यानी कि सबसे अग्रणी थे। इन्होंने बम्बई में अखंड भारत नामक समाचार पत्र निकाला जो कालांतर में आर्थिक तंगी के चलते बंद हो गया। इन्होंने उत्तरदायी शासन के लिए आंदोलन और आंदोलन क्यों और मार्च से संघर्ष क्यों नामक पुस्तकें लिखी। तो दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक समावेश था, आप सबके लिए एक बहुत ही बढ़िया कलेक्शन था जो राजस्थान इतिहास से संबंधित है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, ये सारे प्रश्न आपको बहुत पसंद आए होंगे। अपने मित्रों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें और आने वाले वीडियो जो हैं राजस्थान की कला संस्कृति और जितने भी जो टॉपिक हैं उनसे संबंधित और रोज़गार से संबंधित हम अगले वीडियो को लेकर के उपस्थित ज़रूर रहेंगे। तब तक इंतज़ार कीजिए और इन वीडियो को देखिए और इनका शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।